वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हम पढ़ रहे थे पावर शेयरिंग के बारे में, पावर शेयरिंग किस तरीके से कार्य करती है या फिर पावर शेयरिंग के अंतर्गत किस तरीके से लोगों के एस्पेक्ट्स हैं, बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरीके से पावर शेयरिंग की गई या फिर बेल्जियम ने किस तरह की समझदारी दिखाई पावर शेयरिंग के अंतर्गत, उसने किस तरीके से बांट दिया अपने लोगों के आधार पर या फिर वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर कि इतने लोग आपकी पार्टी में रहेंगे या फिर इतने लोग पार्टी में नहीं रहेंगे। उसी तरह की एक कहानी है खलील के दलीमा की, जिसमें खलील को एक उलझन है। आइए जानते हैं इसमें क्या है। एज यूजुअल विक्रम वाज ड्राइविंग द मोटरसाइकिल अंडर ए बो ऑफ द साइलेंट एंड बेताल वाज द पुलिंग ड्राइवर। यहाँ पर विक्रमादित्य और बेताल वाली कहानी को लेते हुए एक मॉडर्न वे में समझाया गया है। क्या कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और उनकी पेट पर सवार है बेताल, जो उन्हें कहानी सुनाता है। कहानी में वे कहता है, इन द सिटी ऑफ बेरुत देयर लिव ए मैन कॉल्ड खलील। बेरुत सिटी में खलील नाम का एक व्यक्ति रहता है। हिज पेरेंट्स बिकम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। वे जो उसके माता पिता हैं अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं। मॉडर्न क्षेत्रों में या मॉडर्न शहरों में ये देखना आम बात है। उसके पिता एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है जबकि उसकी माता एक सुन्नी मुस्लिम महिला है, जो मॉडर्न फैमिलियों में या फिर मॉडर्न सिटियों में देखना सामान्य सी बात है। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटी इन लेबनान कम टू लिव इन द कैपिटल। ये लोग उस क्षेत्र में रहते हैं जो बेरुत की कैपिटल सिटी है। दे लिव टुगेदर इंटरमिलेट येट फाउंड ए बेटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्फ। ये देखते हैं कि अपने क्षेत्र में ये गृह युद्ध को देखते आ रहे हैं। वन ऑफ द खलील अंकल्स वाज किल इन दैट वॉर। ऐसे ही युद्ध में खलील के जो अंकल हैं उनकी डेथ हो गई है। एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर लेबनान लीडर्स कम टुगेदर एंड आर ब्लू द सम बेसिस रूलर फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटी। कुल मिलाकर ऐसे गृह युद्ध को देखने के बाद वहां के नेताओं ने एक आर्ग्यूमेंट की और उसके बाद एक डिसीजन निकाले, जिस डिसीजन के अंतर्गत उन्होंने समझा कि द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स फॉर द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। कि जो पोस्ट है आपकी प्राइम मिनिस्टर की वह ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की होगी। इसके अलावा द पोस्ट ऑफ डिप्टी मिनिस्टर इज फिक्स फॉर, इसके अलावा एज पर दे रूल द कंट्री प्रेजिडेंट मस्ट बी द मोरनेट सेंट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। कि जो प्रेजिडेंट होगा वो कैथोलिक क्रिश्चियन होगा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फॉर्म द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। इसके अलावा द पोस्ट डिप्टी प्रेजिडेंट इज फिक्स फॉर द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, स्पीकर फॉर शिया मुस्लिम। कुल मिलाकर जो डिप्टी प्रेजिडेंट होगा या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा और साथ ही जो स्पीकर होगा वो शिया मुस्लिम होगा। इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक तरीके से पावर को शेयर किया कर दिया है कम्युनिटी ने। इसी कम्युनिटी बेसिस में हम जैसे कि श्रीलंका में देख रहे थे कि दो तरह के समुदाय हैं, सिंघाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं और साथ ही साथ दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले हैं जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं। तो इस तरह के 74% जो पीपल हैं उसके आधार पर उन्होंने इस तरीके से बांट दिया है इन पावर को, इन ताकतों को कि किस तरीके से वे कार्य कर सकते हैं। ये देखने को मिलता है कि इसी तरीके से खलील के साथ हुआ है। लेकिन समय के साथ साथ खलील देख रहा है कि उसकी कम्युनिटी जो है मुस्लिम कम्युनिटी वह अपनी संख्या बढ़ाती जा रही है और संख्या बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आज भी वे लोग उसी डिसीजन पर कार्यरत कर रहे हैं या उसी डिसीजन को मान रहे हैं जो डिसीजन पहले से लिए जा चुके हैं कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ही सबसे ऊंचे पद पर बैठेगा या प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट होगा। ऐसी स्थिति में खलील की उलझन ये है कि वह ना तो अपने आप को
ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मानता है, ना ही वह अपने आप को शिया मुस्लिम मानता है, क्योंकि उसकी माता शिया मुस्लिम है और उसकी जो पिता है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। ऐसी स्थिति में वह सोच रहा है कि क्या उसे कभी बड़ा पद मिल सकता है, क्या वह ऊंचे पद का अधिकारी हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन बेताल विक्रमादित्य के सामने रखता है और उससे पूछता है कि क्या इसका कोई परफेक्ट जवाब तुम्हारे सामने हो सकता है, अगर आप इसका कोई जवाब समझते हैं तो आप विक्रम की हेल्प कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, आइए जानते हैं कि पावर शेयरिंग की फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है। हमने पावर शेयरिंग की विभिन्न फॉर्मों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले तो हम अपने भारत की फॉर्म को ले लेते हैं। भारत में इसे हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग जो भारत में है वह तीन अंगों वाली है, या फिर ये कहा जा सकता है ये थ्री ऑर्गन रखती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो सबसे पहली फॉर्म हो सकती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो सरकार है वो इसी पर आधारित है। यह तीन खास ऑर्गन इसमें रखी हुई है। कौन कौन सी? लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जिसमें लेजिस्लेटर का कार्य क्या है? लेजिस्लेटर का कार्य है कि वह नियम बनाने का कार्य करता है। एग्जीक्यूटिव का कार्य है उन नियमों को पारित करने का, और जुडिशियरी का कार्य है उन नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को न्याय प्रदान करने का। दूसरी स्थिति में हम सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की भागीदारी को देखते हैं, अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। इत्तेफाक से भारत में हम डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट को भी देखते हैं। किस तरीके से? यह सेंट्रल लेवल पर हो सकती है, स्टेट लेवल पर है। इसके अलावा लोकल लेवल पर है। इसे हम थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल लेवल के हमारे प्रतिनिधि हैं वे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। स्टेट लेवल जो हमारे यूपी का है उस पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वे आदित्यनाथ योगी जी हैं। और लोकल लेवल में सभी ये अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। हर गांव में अलग हो सकता है, हर शहर में अलग हो सकता है, हर क्षेत्र में अलग हो सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल पर कार्य करती हुई गवर्नमेंट अपनी पावर की शेयरिंग कर सकती है या अपनी पावर को बांट सकती है। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? इसके बाद हम चलते हैं पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर दूसरे हिस्सों में सोशल ग्रुप्स को भी बांटी जा सकती है। जो तीसरा पावर शेयरिंग का प्रकार हो सकता है, पावर में भी आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप्स को ये
इस तरीके से हो सकता है, कम्युनिटी बेसिस पर हो सकता है कि कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट, जैसे कि बेल्जियम में देखने को मिली हमें। बेल्जियम में हमने क्या देखा, बेल्जियम में हमने देखा कि कुछ लोग जो थे वे डच भाषा बोलने वाले थे, कुछ लोग जो थे वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे। इस तरीके से उन दोनों की जो पावर है वो कम्युनिटी के आधार पर उन्होंने बांट दी, जो डच बोलने वाले थे और जो आपके फ्रेंच बोलने वाले थे। इसी के साथ हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, पावर शेयरिंग आर्गुमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से इसे अलग अलग समूहों को बांट सकती हैं, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, हित समूहों और आंदोलन के द्वारा शक्ति नियंत्रण एवं प्रभावित होना। पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। इस तरीके से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा विभिन्न प्रकार से दबाव दिए जाते हैं, प्रेशर दिया जाता है, जिसके आधार पर काफी हद तक हमें डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इस तरह की भावना जरूर होनी चाहिए कि कोई भी हार सकता है और कोई भी जीत सकता है। यहाँ तक कि हम ये समझ सकते हैं कि उनके बीच रहना चाहिए कि विभिन्न पार्टियों के अलग अलग उपलब्धता है, विकल्प हैं, वे किस तरीके से किस समय अवधि तक कार्य करेंगी और किस तरीके से उस चीज़ को कार्यरत रख सकती हैं। यही कुछ एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं जिसके अंतर्गत हमने पावर शेयरिंग को बांटा है। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग विच ऑफ द फोर टाइप ऑफ पावर शेयरिंग ऑफ दीज रिप्रेजेंट हु इज शेयरिंग पावर विद होम। आइए समझते हैं कि इन चारों के आधार पर किसने किस तरीके से पावर को बांटा है, या फिर ये चारों ग्रुप जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि पावर शेयरिंग या तो ऑर्गन्स के हिसाब से हो सकती है, या फिर हम समझ सकते हैं कि यह कम्युनिटी बेस हो सकती है, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि यह विभिन्न सेंटर बेस हो सकती है, जैसे कि हमने थ्री टायर ऑफ सिस्टम पढ़ा था। इसके अलावा हमने समझा था कि एक दबावों के अंतर्गत भी हो सकती है, राजनीतिक दलों के अंतर्गत भी हो सकती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जो पेज नंबर 10 पर दिए गए हैं। फर्स्ट, द मुंबई हाईकोर्ट ऑर्डर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू इमीडिएटली टेक एक्शन एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर द 2000 ओल्ड सिटीजन चिल्ड्रन एट 7 चिल्ड्रंस होम इन मुंबई। मुंबई के न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि तत्काल जो अनाथालय हैं, 7 अनाथालय जिनमें 2000 बच्चों रहते हैं, उनका रखरखाव इसमें सुधार करने की कोशिश की जाए। तो ये एक तरह का डिसीजन है जो मुंबई हाईकोर्ट ने लिया है। सेकंड है, द गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो स्टेट इन कनाडा हैज एग्रीड टू ए लैंड क्लेम सेटलमेंट विद द एबोरिजिनल कम्युनिटी। द मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर नेटिव अफेयर्स अलोंग दैट द गवर्नमेंट विल वर्क विद ओरिजिनल पीपल इन ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कॉरपोरेशन। कनाडा ने अपने क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासियों समुदायों को जमीनों का निपटारा करने की अनुमति दे दी है, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने क्लेम सेटलमेंट पूर्ण रूप से उनका पास कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो वहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसने काफ़ी हद तक वहाँ के लोगों को, जो अबोरिजिनल पीपल हैं वहाँ के, उन्हें रेस्पेक्ट देने की बात कही है, कहा है कि वे उनके प्रति सम्मान की भावना रखेंगे। रशिया टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिसीज पार्टीज द यूनियन ऑफ राइट्स फोर्स एंड लिबरल
Yabiko movement agreed to unite that organization into a strong right-wing coalition. The process of the purpose to have a common list to candidate in the next parliamentary election. यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दो पॉलिटिकल पार्टी हैं रशिया में जो अपने आप में गठबंधन के लिए या फिर कोलेशन करने के लिए एग्री कर रही हैं और कोलेशन के साथ ही अपनी सरकार चलाने के लिए बात कर रही हैं। वे किस तरीके से अपनी सरकार को चलाएंगी या किस तरीके से कोलेशन करेगी यह उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बढ़ावा दे रहा है कोलेशन गवर्नमेंट का, जो हम थर्ड पॉइंट में पढ़ चुके हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ वेरियस स्टेट इन नाइजीरिया गॉट टुगेदर एंड डिमांडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स सोर्स ऑफ इनकम। दे आल्सो वांटेड टू नो द फॉर्मूला बाय विच द रेवेन्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नाइजीरिया में विभिन्न प्रकार से लोगों एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनकी आमदनी के स्रोतों को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ वे जानना चाहते हैं कि जो राजस्व है या जो आपका इनकम टैक्स है या फिर जो रिवेन्यू लिया जाता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस तरीके से हम समझते हैं कि वे लोग बात कर रहे हैं अपने मतों की और साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत प्रेशर डाल रहे हैं पॉलिटिकल ग्रुप द्वारा, ताकि लोग जो वहाँ की शासन सरकार है वह सही तरीके से डिसीजन ले। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये चारों फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है जिसमें पावर शेयरिंग की गई है। सबसे पहली फॉर्म में है अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जिसका एग्जाम्पल आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, जैसे एग्जीक्यूटिव और जेनरल। इसके अलावा दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या दूसरी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है आपकी अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अमंग गवर्नमेंट बात कर रही हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट से कह रही हैं कि इस तरीके से कार्य किया जा सकता है।
या फिर कुछ खास डिसीजन में सुधार करना चाहती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग किस तरीके से बांटी गई है और किस तरीके से कार्यरत रहती है।